एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइनर निशित नाथ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग धोती स्कर्ट ड्रेपिंग टेक्निक। मैंने फुल डिटेल में इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्कर्ट को ड्रेप करने के लिए मैंने सैटिन फैब्रिक लिया है 3 मीटर। सो ड्रेपिंग के लिए मैंने फैब्रिक के एक छोर से ड्रेपिंग स्टार्ट की है। सेंटर लाइन पे मैंने डमी पे इसे पिन किया है और सेंटर लाइन के बाहर मैंने 12 इंच तक फैब्रिक बाहर की तरफ रखा है। बाकी का जो फैब्रिक है मैंने बैक साइड से टर्न करते हुए फ्रंट साइड पर लेके गई हूँ। उससे पहले बैक साइड पर वेस्ट लाइन पर 2 डार्ट डालने हैं। तो यहाँ पर मैं नाइफ प्लिट बना रही हूँ डार्ट की जगह पे, बाद में इसको हम डार्ट की शेप में स्टिच करेंगे। सो यहाँ पे दोनों डार्ट को मैंने पिन कर लिया है। अभी फ्रंट साइड से हमें ड्रेपिंग स्टार्ट करनी है। तो जहाँ पे मैंने फर्स्ट पिन किया था वहाँ से इस तरीके से फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखना है और प्लीट बनानी है। सो यहाँ पे एक प्लीट को मैं बनाने के लिए 2 इंच फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से डायगनल लाइन मैं प्लेट को मैं बना रही हूँ डायगनल डायरेक्शन में। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ रखना है और प्लेट को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। सो आप यहाँ पे 6 से 7 प्लेट बना सकते हो। नाइफ प्लेट बनानी है, प्लेट का डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये स्कर्ट को मैं स्मॉल साइज पे ड्रेप कर रही हूँ बट मुझे एम साइज के लिए बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरीके से पिन कर लिया है और इसे मैं सुई से पक्का करके स्टिच करूंगी। अगर आप स्मॉल साइज के लिए बना रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एम साइज के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है फैब्रिक और वापस से प्लीट बनाई है। अब इन सारे प्लीट्स को मैं सुई और धागा से इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद अब पिन को रिमूव करेंगे। बैक साइड के लिए जहाँ पे हमने डार्ट के लिए प्लीट बनाई थी वहाँ पे डार्ट क्रिएट करना है। तो सिंपल आपको वी शेप में डार्ट क्रिएट कर लेना है और सेंटर पे जो हमने प्लीट बनाई है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसके ऊपर भी स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद वापस से हम इसे डमी पे ड्रेप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टिच कम्प्लीट कर लिया है और डमी पर वापस ड्रेप कर ली हूँ। बैक साइड की मैंने डार्ट्स भी लगा ली है। डार्ट्स के लिए मैंने पहले ही नाइफ प्लेट बनाई थी ड्रेपिंग के टाइम पे, तो वहीं पे मैंने डार्ट लगाई थी। तो अभी गाइस दूसरे साइड की ड्रेपिंग करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे दूसरे साइड की ड्रेपिंग करने के लिए फैब्रिक को सेम प्लेट बनानी है जैसे हमने फर्स्ट साइड पे ऊपर की डायरेक्शन में नाइफ प्लेट बनाई है। सेम उसी डायरेक्शन में हमें यहाँ पर भी प्लेट बनानी है। तो चलिए वो प्लेट को भी बनाते हैं। सो गाइस, दूसरे साइड पे भी हमें सेम प्लीट्स क्रिएट करनी है जैसे हमने फर्स्ट साइड पे ऊपर की तरफ प्लेट को रखते हुए डायगनल शेप में डायगनल लाइन में प्लीट्स बनाई थी। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर की तरफ रखा था। सो सेम प्रोसेस वापस रिपीट करना है और दूसरे साइड की भी प्लेटिंग को कंप्लीट कर लेनी है। सो यहाँ पे मैंने दूसरे साइड पे भी सेम प्रोसेस से प्लेट्स ऑलमोस्ट बना ली है। अभी इसे गाइस हमें सुई से वापस स्टिच करना है। ये इसका बैक साइड है जो अभी लूज है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लूजिंग रखनी है क्योंकि मैं एम साइज के लिए बना रही हूँ। तो 2 इंच सेंटर लाइन से बाहर की तरफ वापस मैं प्लेट को इस तरीके से पिन कर रही हूँ और इसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें हाथ सुई से हेमिंग वाली जो सुई आती है उसे स्टिच करना है। स्टिचिंग के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हमें ऊपर वाले फैब्रिक को ही स्टिच करना है, इसके साथ अंदर का जो लेयर है वो स्टिच नहीं होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैं स्टिचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो चलिए फैब्रिक भी कट कर लेते हैं। सो ऊपर की तरफ से मैं इस तरीके से फैब्रिक को कट कर रही हूँ जहाँ तक हमने प्लीट बनाई है।
सेम वहाँ तक ही फैब्रिक को कट करना है। और कट करने के बाद इसी फैब्रिक से हम यहाँ पे सेंटर पे स्कर्ट में टेल बनाएंगे। तो टेल बनाने के लिए यहाँ से आपको 1 मीटर फैब्रिक की नीड होगी। तो यहाँ पे मैं 1 मीटर फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए साड़ी में जैसे हम प्लेट बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे आप 5 से 6 प्लेट बना सकते हैं। तो प्लेट बनाने के बाद गाइस इसे इसकी लेंथ मेजर करनी होगी। जैसे कि स्कर्ट की लेंथ मैं 40 इंच रख रही हूँ, तो इस टेल की लेंथ भी हमें 40 इंच रखनी है। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से पिन कर रही हूँ और यहाँ पे स्कर्ट की लेंथ के बराबर ही इस टेल की भी लेंथ रख लेते हैं। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से मार्क कर लिया है मैंने और इसे हम अब कट करेंगे। उससे पहले का स्कर्ट का जो फर्स्ट वाला साइड था जिसे हमने फर्स्ट में ड्रेप किया था उसे इस तरीके से राउंड शेप में कट करना है। तो फैब्रिक के कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है और राउंड शेप में कट कर लेना है। फ्रेंड्स इसके फर्स्ट साइड को मैंने इस तरीके से राउंड शेप में कट कर लिया है। अब वापस से हमें यहाँ पे जो हमने टेल बनाई थी उसको भी मैं यहाँ पे हाथ सुई से स्टिच कर ली हूँ और अब इसको मैं डमी से बाहर निकाल चुकी हूँ। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ऊपर की तरफ टेल वाला पार्ट में है उसे हम इस तरीके से यहाँ पे कट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं जो हाथ सुई से स्टिच करी थी उसको भी कट कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे फैब्रिक को सीधा रखना है। सीधा रख के मैं इसे कट करने वाली हूँ डायगोनल शेप में क्योंकि मुझे टेल का जो शेप है वो नीचे से इक्वल नहीं चाहिए, मुझे रफल वाला शेप चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरीके से सीधा रख लेना है नीचे तक और जहाँ से हमने टेल बनाई थी सेम नीचे तक हमें फैब्रिक को डायगोनल डायरेक्शन में कट करना है। उससे पहले ऊपर से हमें यहाँ पे लेंथ मेजर करनी होगी। सो मैं सबसे पहले रफल लेंथ मेजर करूँगी। तो यहाँ से मैं ऊपर से लगभग 20 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और इस मार्क को टेल वाला जो फैब्रिक है नीचे की तरफ उस मार्क से डायगोनल लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट करेंगे। तो फ्रेंड्स लाइन ड्रॉ करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसी लाइन पे मैं फैब्रिक को कट कर रही हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको रफल का जो लुक है वो दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 4 इंच का ऑफ प्लेट क्रिएट कर रही हूँ और प्लेट क्रिएट करने के बाद नीचे का इसका लुक थोड़ा रफल शेप में आएगा। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ड्रेपिंग शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे ये कंप्लीट ड्रेपिंग हो चुका है। अब इसकी स्टिचिंग करनी है, वेस्ट बेल्ट ऐड करना है और इसकी बैक साइड पे जिप ऐड करना है। सो गाइस यहाँ पे मैंने इसके स्टिचिंग के बाद इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेपिंग अच्छे से समझ आ गई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।